वेलकम टू सिविल जोन। तो आज हम डिस्कस करेंगे टेस्टिंग ऑफ सीवर लाइन। जब हम अपनी सीवर लाइन है वो लेड कर देते हैं या उसको बिछा देते हैं अपनी सीवर लाइन को, तो उसके बाद हमको कुछ चेक भी करने होते हैं। तो तीन चेक है जो टेस्ट बोलते हैं जिनको, वाटर टेस्ट, एयर टेस्ट और टेस्ट फॉर अलाइनमेंट और ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये तीन टेस्ट या चेक बोल दो आपको, ये तीन करने पड़ते हैं ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि वो एयर टाइट है और वाटर टाइट है और अलाइनमेंट है वो एकदम स्ट्रेट है। तो इस प्रकार से तीन टेस्ट है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम वाटर टेस्ट। तो वाटर टेस्ट होता क्या है वो देखते हैं हम। दिस टेस्ट इज कैरिड आउट बिटवीन टू मान होल्स। तो ये जो टेस्ट है वो दो मान होल्स के बीच में किया जाता है। एग्जाम्पल ये अपना फर्स्ट मान होल है, मान होल है जिसको मान होल के बारे में नहीं पता वो मेरा लेक्चर जाकर देख ले प्लेलिस्ट में, मैंने सीवर अप्रेंटिस से एक टॉपिक बना रखा है जिसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मान होल को समझा रखा है, तो वो वहाँ पर जाके देख ले मान होल क्या होता है। यहाँ पे ये सेकंड मान होल है। तो इस प्रकार से इन दो मान होल के बीच में किया जाता है। और बाकी आगे की प्रोसेस क्या रहेगी वो ये रहेगी, इन द लोअर मान होल द एंड ऑफ सीवर पाइप इज प्लग्ड। मतलब यहाँ पे ये अपना अपर मान होल है जो इस प्रकार से होता है, और ये लोअर मान होल है। लोअर मान होल के अंदर क्या करेंगे, जो अपना ये सीवर लाइन है इसका जो एंड है वो यहाँ से क्लोज कर देंगे या प्लग्ड कर देंगे। यहाँ पे आपको पता है कि दो मान होल होते हैं वो काफ़ी डिस्टेंस के अंदर होते हैं, तो यहाँ पे ऐसे तो है नहीं डायरेक्ट एक सीवर लाइन को बिछा देंगे। यहाँ पे कम से कम ऐसी सीवर है वो दो तीन सीवर लगेगी जिनके बीच में जॉइंट लगाकर उनको कनेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे बस यही देखना चाहते हैं कि ये जो जॉइंट है इनमें से वाटर निकल तो नहीं रहा है, वाटर टाइट है, वाटर टाइट टेस्ट भी बोलते हैं उसको। तो ये देखना होता है। तो यहाँ पे क्या कहता है, लोअर एंड इज प्लग्ड एंड द अपर मान होल एंड इज केप्ट ओपन। और जो इसका जो मान होल है यहाँ पे अपर मान होल, इसका जो एंड है वो यहाँ से ओपन रखा जाता है। द पाइप एंड ऑफ प्रीवियस सेक्शन इज केप्ट प्लज्ड। जो प्लज्ड मतलब उसको क्लोज कर दिया जाता है। और जो इसके बाद में यहाँ पे क्या होता है, जो अपर मान होल में जो यहाँ से पीछे से पाइप आती है तो वहाँ से भी तो आएगा अपना जो वेस्ट वाटर है उसको भी क्लोज कर देते हैं ताकि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा वाटर नहीं आ सके, उसको कलेक्ट कर दिया। इसके बाद में क्या करते हैं, देन वाटर इज अलाउड टू द फ्लो इन द सीवर लाइन फ्रॉम द अपर मान होल। फिर अपने अपर मान होल से यहाँ पे वाटर है उसको अलाउ करते हैं। फिर द डेप्थ ऑफ वाटर इन द अपर मान होल इज रेज अप टू 1 मीटर अबाउ। यहाँ पे इसको जब तक बढ़ते हैं जब तक यहाँ पे अपने 1 मीटर अबाउ डेप्थ ले लेते हैं यहाँ तक कि ये यहाँ से 1 मीटर की डेप्थ पे अपना वाटर आ जाए। इसके बाद ये 1 मीटर की डेप्थ पे आ जाता है वाटर, तब उसको छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद में इसको 2-3 घंटे से चेक करते हैं, अगर ये डेप्थ है वो थोड़ी कम आ गई तो इसका मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ लीकेज है। कहने का मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ लीकेज है, मतलब वहाँ पे वाटर टाइट है वो जॉइंट नहीं है, वाटर टाइट जॉइंट नहीं है, वहाँ पे कुछ ना कुछ लीकेज है जिसकी वजह से अपना जो डेप्थ है वाटर की कम हो गई। मतलब ये पानी इसमें चला जाएगा यहाँ से, क्या यहाँ से जॉइंट से या तो बाहर निकल जाएगा या कुछ यहाँ पे सीपेज के थ्रू निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये चेक करेंगे कि यहाँ से वाटर लीक तो नहीं हो रहा। तो ये वाटर अगर डेप्थ कम हो जाएगी तो वाटर लीक हो जाएगा, लीक होगा तो इसको जल्दी से रेक्टिफाइड करेंगे, इसको अपन रिपेयर करेंगे। तो इस प्रकार से हम वाटर टेस्ट को कर सकते हैं। जो ये थ्योरी वाला पोर्शन था मैंने लिखकर आपको बता दिया, और अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आए कि टेस्टिंग ऑन सीवर लाइन लिखो, तो आपको ये कंप्लीट थ्योरी लिख के आनी है और किस प्रकार से होता है और ये डायग्राम है उसको बनाकर आना है। तो इस प्रकार से वाटर टेस्ट को कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट है अपना एयर टेस्ट। जो एयर टेस्ट होता है वो भी सेम वे से करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, दिस टेस्ट कैरिड आउट फॉर लार्ज डायमीटर पाइप या सीवर पाइप। जो लार्ज डायमीटर के सीवर पाइप होते हैं उनके लिए ये टेस्ट करते हैं। द पाइप एंड ऑफ द बोथ द मान होल आर प्लज्ड। कहने का मतलब यहाँ पे दोनों एंड है उसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं इस प्रकार से। उसके अंदर हमने केवल एक एंड को क्लोज किया था इस वाले को, और यहाँ से वाटर डाला था, वाटर इसमें गया था, फिर वहाँ से वाटर टाइट टेस्ट को चेक किया था कि वो वाटर टाइट है या नहीं है, वाटर लीकेज हो रहा है या नहीं है। इसके अंदर क्या करते हैं, दोनों माल होल्स के जो सीवर लाइन है उसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं, प्लज्ड कर देते हैं। मतलब उससे प्लज्ड का मतलब ये है कंप्लीट रूप से भी क्लोज नहीं करेंगे यहाँ पे, ये यह है टेस्ट में
वाटर टेस्ट में तो कंप्लीट रूप से क्लोज करेंगे, लेकिन इसमें कुछ हाँ वो आपके आगे समझ में आएगा। एयर कंप्रेसर इज कनेक्टेड टू द प्लज ऑफ द अपर मान होल एंड प्रेशर गेज इज अटैच्ड विद द प्लज ऑफ लोअर मान होल। बाद में क्या करते हैं, जो यहाँ पे जो इसको क्लोज करने के बाद में यहाँ पे अपने एयर कंप्रेसर लगाते हैं, यहाँ पे एयर कंप्रेसर जो यहाँ पे एयर को कंप्रेस्ड करेगा, यहाँ पे जो अपर मान होल है यहाँ पे एयर कंप्रेसर लगाते हैं और यहाँ पे अपन एक प्रेशर गेज लगाते हैं लोअर मान होल के एंड पे, जहाँ से अपने इसको प्लज्ड किया था, जो क्लोज किया था। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, द प्रेशर यहाँ से कंप्रेस्ड एयर फ्लो करवाते हैं यहाँ से कंप्रेस्ड एयर को। फिर बाद में क्या देखते हैं, द प्रेशर एग्जिट बाय द कंप्रेस्ड एयर इज रिकॉर्डेड इन द प्रेशर गेज। जब इसमें कंप्रेस्ड एयर पास करवाते हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रीडिंग आएगी इस प्रेशर गेज के अंदर, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर एग्जैक्ट होगा इस पर, जो अपना एंड है लोअर मान होल का प्लस डे, इस पर कुछ प्रेशर एग्जैक्ट होगा, वो प्रेशर की वजह से यहाँ पे कुछ रीडिंग आएगी, उसको नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद जो रीडिंग नोट गई है उसके बाद में क्या करेंगे, फॉर फ्यू आवर इट इज लेफ्ट फॉर फ्यू आवर, फिर उसको कुछ घंटों के लिए छोड़ देंगे। इफ द प्रेशर ड्रॉप बिलो द रिकॉर्डेड लिमिट देन इट इज इंडिकेशन ऑफ लीकेज। फिर इसके बाद में कुछ घंटे के बाद में वापस इसको चेक करेंगे रीडिंग को, अगर रीडिंग कुछ कम हो जाती है, इसका मतलब यहाँ से जो एयर है कंप्रेस्ड एयर वो कहीं ना कहीं से जॉइंट से या कहीं और जगह से बाहर निकल चुकी है, इसका मतलब यहाँ पे अपनी एयर टाइट नहीं है, मतलब एयर का लीकेज हो रहा है। अगर ऐसा पाया गया तो हम क्या करेंगे, उसको इमिडिएटली उसको रिपेयर करेंगे। तो इस प्रकार से कुछ टेस्ट है जो आपको इसी रूप में लिखे आने हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा, मैंने इजी से इजी लैंग्वेज में लिखा है। फिर इसके बाद में अगर बात करें, द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ लीकेज इज फाउंड बाय अप्लाइंग सोप सॉल्यूशन विच विल शो बबल एट द पॉइंट ऑफ लीकेज। मतलब ये लाइन आपको याद रखनी है, अगर अपन को एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करनी है किसकी, जो अपना लीकेज कहाँ से हो रहा है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, सोप सॉल्यूशन आता है अपना, उसको अप्लाई कर देते हैं। सोप सॉल्यूशन जहाँ पर लीकेज होगा वहाँ पर बबल का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस प्रकार से अपन एग्जैक्ट लोकेशन भी उसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट होता है जिसको हम क्या कहेंगे, टेस्ट फॉर अलाइनमेंट। तो इसमें जो सिंपल सी थ्योरी है जो मैं आपको बताता हूँ, टेस्ट फॉर अलाइनमेंट के अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर दो प्रकार से कर सकते हैं। फर्स्ट है अपना जो सीवर लाइन है इस प्रकार से लेड होती है, सीवर लाइन है वो ग्रेडियंट पे लेड होती है, आपको पता है। इस प्रकार से अलाइनमेंट के लिए चेक करना है कि ये सीवर लाइन है वो सीधी है या नहीं, तो सीवर लाइन है वो ग्रेडियंट पे लेड होती है। यहाँ पे एक बॉल लेते हैं जिसका डायमीटर लेस देन होता है 13 mm या अप्रोक्सीमेट 13 mm के अप्रोक्सीमेट लेते हैं जिसका डाया, और जो इसका डायमीटर होना चाहिए वो लेस देन होना चाहिए डायमीटर ऑफ सीवर। बॉल कितने भी डायमीटर की ले सकते हैं, लेकिन डायमीटर ऑफ सीवर है उसके डायमीटर से लेस होनी चाहिए। बॉल डाया मीटर शुड बी लेस सीवर डायमीटर, ऐसे हम एक बॉल लेंगे, उस बॉल को यहाँ से इसमें रखेंगे, तो अगर ये रोल करती हुई अपन को लोअर एंड पे मिल जाती है, लोअर एंड पे आ जाती है, तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे कोई भी जो अपना ये बैंड नहीं है, मतलब स्ट्रेट है, यहाँ पे ये स्ट्रेट है, अपना अलाइनमेंट एकदम सही है अपना सीवर का, मतलब सीवर की स्ट्रेट नेट को चेक करने के लिए अपन ये टेस्ट करते हैं। और दूसरा चेक है या टेस्ट है वो क्या होता है, यहाँ पे अपनी सीवर है, क्या करते हैं यहाँ पे तो मिरर रखते हैं, इस एंड पे मिरर रखते हैं, इस प्रकार से यहाँ पे मिरर रखते हैं, और इस एंड पे क्या करते हैं एक लैंप रहता है, इस प्रकार से लैंप को जलाकर रख देते हैं। अगर इस लैंप का जो कंप्लीट सर्कल है वो यहाँ पे ऑब्जर्व हो जाता है, इस प्रकार से यहाँ पे एक सर्कल बनेगा, जो कंप्लीट सर्कल है वो लैंप का यहाँ पे ऑब्जर्व हो जाता है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है बीच के अंदर, और अपनी जो पाइपलाइन है जो सीवर लाइन है वो एकदम स्ट्रेट है। तो इस प्रकार से ये तीन टेस्ट थे जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।